नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज मैं एक ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपके शरीर के सभी प्रकार के दर्दों का जड़ से सफाया कर देगी। दोस्तों चाहे हड्डियों का दर्द हो या मांसपेशियों का दर्द हो, ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपके दर्द को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगी, ऐसा नुस्खा है ये। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और मेरे भाई भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों आंख, ये आपका पौधा, ये आंख, ये इसके फूल रहे। दोस्तों आंख या आंकड़ा, अकद, अर्क, दोस्तों इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बहुत सारे नामों से ये ऑलरेडी प्रचलित है। और अगर मैं बात करूं इसके उपयोग की तो बहुत प्राचीन काल से इसका उपयोग होता आया है। दोस्तों आग के प्रयोग की अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें आग का प्रयोग ना हो। दोस्तों इसके बारे में एक बात प्रचलित है इस आग के बारे में, वो क्या कि ये सूर्य के तेज के साथ बढ़ता है और जैसे ही सूर्य का तेज कम होता है तो इसका भी असर कम होता जाता है। दोस्तों बारिश के दिनों में इसका असर ना के बराबर होता है। दोस्तों बड़ा जबरदस्त प्रयोग है और बड़े आपको फ्री में मिल जाता है, आपके आसपास ही ये पौधा आपको फ्री में मिल जाएगा। तो आप इस पौधे का प्रयोग करके सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपने घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर का दर्द, यानी कि हर तरह का मांसपेशियों का दर्द और हड्डियों के दर्द को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। दोस्तों अगर मैं इसके प्रयोगों की बात करूं तो वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे दर्द के विषय में, वैसे इसके शरीर के बहुत सारे रोगों का इलाज कर सकते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द और कमर दर्द के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आग के प्रयोग। दोस्तों आग की वैसे तो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, पर 2 प्रजातियां अति दुर्लभ हैं, सिर्फ 2 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। दोस्तों आपके मन में सवाल आया होगा कि ये आग हमारे दर्द को कैसे खत्म कर देता है। तो दोस्तों अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो इसके अंदर ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो आपके दर्द को हर लेते हैं, उन रसायनों के दम पर ही ये अपने आपके शरीर के सारे दर्दों को खत्म कर देता है। दोस्तों इस आग के प्रयोग में एक सावधानी भी है जिसका आपको पालन करना है। दोस्तों इस आग का दूध, जैसे ही हम इसका पत्ता तोड़ेंगे या फूल तोड़ेंगे तो इससे दूध निकलता है। दोस्तों वो दूध हमारी आंख में भूल से भी नहीं जाना चाहिए, वरना अंधा बना सकता है, इसलिए आपको इसके प्रयोग में इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं आपको दर्दों में इसके प्रयोग। दोस्तों अगर मैं बात करूं एडी के दर्द की, सबसे पहले एडी के दर्द में जो इसका प्रयोग करना है वो इसका प्रयोग करना है इसके फूलों के जरिए, जो ये इसके फूल आप देख रहे हैं इन फूलों से इसका प्रयोग करना है एडी के दर्द के लिए। दोस्तों आपको इसके 15 फूल लेने हैं, 15 फूल लेकर एक कटोरी पानी में इनको उबालना है। जब ये गर्म करे तो इसमें इसको डालना है और गर्म करना है, ये एक फूल काउंट होगा। ऐसे ऐसे आपको 15 फूल लेने। तो चलिए आपको कर दिखाते हैं कि ये प्रयोग कैसे करना है। तो दोस्तों जब आप इन फूलों को गर्म करेंगे तो ऐसा हो जाएंगे, ये फूल ऐसे गुस्से जाएंगे और आपको ऐसे पानी हो जाएगा। अब ये हल्का गर्म पानी होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जब ये हल्का गर्म पानी हो तो इस पानी से इन फूलों को बाहर निकाल कर एक कटोरी में रख लें, जैसे कि मैं ये रख रहा हूँ। जैसे अब इन फूलों को निकाल कर एक कटोरी में रख लो, ये जैसे मैंने रख लिए, इनका प्रयोग मैं आपको अभी बताता हूँ। ये मैंने फूल बाहर निकाल लिए, अब जो ये पानी शेष बचा है इससे आपको जिस आपकी एडी में दर्द है उस एडी को धुलाई करनी है उसकी इस पानी से। जैसे ये नीचे बर्तन है, मैं इसमें ले लेता हूँ और इस पानी को अपनी एडी पर डालता हूँ, ऐसे आपको अपनी एडी को धोना है इस पानी से, हल्के हल्के गर्म पानी से, तो आपको उससे ही राहत महसूस हो। अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको ये फूल लेने हैं, ये फूल लेने हैं, अब आपको इन फूलों को अपनी एडी पर बांधना है किसी सूती कपड़े की सहायता से जहां पर आपको दर्द है, और ऊपर से कोई जुराब डाल लें, सॉक्स डालें या कुछ भी पहन लें ऊपर से,
तो आपको दोस्तों आराम मिल जाएगा, जो दर्द है उसमें बिल्कुल आराम होगा आपको। ये प्रयोग दोस्तों आप 10 से 15 दिन के लिए करें, आपका जो एडी का दर्द है वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब करते हैं दूसरे प्रयोग की बात। दोस्तों इसके लिए एडी के दर्द के लिए प्रयोग है, इसके लिए आपको आंकड़े का पत्ता लेना है, ये पत्ता लेना है, और इसके लिए चाहिए आपको सरसों का तेल या तिल का तेल, जो आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। इस पत्ते को आपको तवे पर गर्म करना है और उसके ऊपर तिल का तेल या सरसों का तेल लगाना है। अभी हम उसको लगाकर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमने किया है, तवे पर इसको गर्म करके इस पर तेल लगाया, ये हल्का हल्का गर्म ही आपको यूज करना है। अब इसको करना क्या है, आपको इस पत्ते को अपनी एडी पर बांधना है जहां पर आपको दर्द है, और ऊपर से कोई सूती कपड़ा बांध लेना है ताकि अच्छी तरह से जब आप इसको बांधेंगे जो इस पत्ते के अंदर रसायन है वो रसायन आपके एडी के दर्द वाली जगह पर जाएंगे और आपके एडी के दर्द को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। आप ये प्रयोग इसका अपनाएं। अब बात करते हैं तीसरे प्रयोग की एडी के दर्द के लिए। तो दोस्तों एडी के दर्द के लिए तीसरा प्रयोग है, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आंकड़े का ताजा पत्ता लेना है, जैसे ये आंकड़े का पत्ता लिया और इसको तोड़ कर जैसे ही इसका दूध निकलेगा, देखिए ये इसमें से दूध निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये देखिए आप ये दूध निकल रहा है ना, ये जो दूध निकल रहा है ये निकल रहा है दूध, इस दूध को अपनी एडी पर लगाकर और अच्छी तरह से मसाज करनी है सर्कुलर मोशन में, ताकि सारा दूध आपकी एडी अवशोषित कर ले, और इसको तब तक करना है इससे आपका जो दर्द है वो गायब हो जाएगा। तो आप इस प्रयोग तीनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं घुटनों के दर्द की। दोस्तों घुटनों के दर्द के लिए आपको क्या करना है कि जहां पर भी आपके घुटनों में दर्द है वहां पर इस जैसे अभी मैंने जो दूध निकाला है ऐसे ही दूध निकालकर आपके ताजा पत्ते का या ताजा डंडे का तोड़कर दूध निकालकर उस दूध के सर्कुलर मेसन में मालिश करनी है आपको जहां भी आपको घुटने में दर्द है, और उसके बाद एक पत्ता लेना है ऐसे ही सेम, और उस पत्ते को तवे पर गर्म करने के बाद तिल या सरसों का तेल लगाकर उसको गर्म करने पर थोड़ा सा गर्म गर्म ही उसको अपने जहां पर घुटनों में आपको दर्द है वहां पर किसी सूती कपड़े की मदद से बांधना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। दोस्तों आप इस प्रयोग को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको आराम लगे। अब बात करते हैं तीसरे प्रयोग के बारे में, कमर दर्द के बारे में। दोस्तों कमर दर्द के लिए भी आपको ऐसे ही ताजा डंडी लेनी है, उसका दूध निकालना है जैसे ये निकाला हुआ है, इसको जहां पर आपको कमर में दर्द है वहां पर लगाकर अच्छी तरह से मालिश करनी है। आपको तब तक मालिश करनी है, इसको जैसे ऐसे लगाया ऐसे तब तक मालिश करनी है जब तक ये अवशोषित ना हो जाए। तो दोस्तों इसी प्रयोग से आपको फर्क पड़ जाएगा कमर के दर्द में, और इसके बाद आप ऐसे ही पत्ते को तवे पर गर्म करके सरसों का तेल लगाकर गर्मा गर्म थोड़ा सा सूती कपड़े की मदद से अपने कमर पर वहां बांध लेना है जहां पर आपको दर्द है। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपके कमर का दर्द, घुटने का दर्द, एडी का दर्द गायब हो जाएगा। दोस्तों कुछ दिन आप इस लगातार इस प्रयोग को करें तो आपके जो दर्द है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। दोस्तों ये प्रयोग हड्डियों का दर्द या मांसपेशियों का दर्द दोनों के लिए अचूक है, दोनों में बड़े रामबाण की तरह काम करता है ये आग के पत्ते की प्रयोग। तो दोस्तों अगर आप भी इनसे किसी से भी परेशान हैं या आपका कोई रिलेटिव जानकर इनसे परेशान है तो उनको बोलिए कि इस पत्ते का प्रयोग करें, आग का प्रयोग करें। अब मैं बताता हूँ कि आग का जो प्रयोग है वो कहाँ काम नहीं करेगा, बाकी सभी जगह काम करेगा, 2 जगह पर ये काम नहीं करेगा। अगर आपका दर्द एनीमिया की वजह से है तो ये काम नहीं करेगा। दूसरा अगर आपका जो दर्द है वो हड्डी टूटने की वजह से है तो ये पत्ता काम कम करेगा, वो तब काम करेगा जब आप कैल्शियम की औषधि भी लेंगे जैसे मैंने आपको चूने के बताया था। तो दोस्तों आप भी आग का प्रयोग करके अपने दर्द को सिर्फ 2 मिनटों के अंदर गायब कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी मेरे भाई जो घुटने के दर्द, एडी के दर्द या कमर के दर्द से परेशान है इस नुस्खे का प्रयोग करके अपने दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। इसके साथ में दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइबर बटन है उसके साथ जो बेल आइकॉन है आप उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।